वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि नॉर्थ साइड में विंटर्स स्टार्ट हो गई हैं, सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर हैक्स। सो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, हमारा फेस, स्किन, हैंड्स, लिप्स सब ड्राई होने लग जाते हैं। सो मैं आपके साथ आज बहुत ही बेनिफिशियल हैक्स शेयर करूंगी जो आपके सारे विंटर्स काम आने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and also hit the like button. So without any further ado, let's get into this video. So first hack है हमारी body के लिए। Skin patchy हो जाती है या whitish layer बनने लग जाती है। So इसका solution ये है कि जब भी आप नहाने जाते हैं, उससे पहले आप olive, coconut या almond oil से अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को अच्छे से मसाज करें। अब 5-10 मिनट्स लें, ऑयल को हल्का सा ल्यूक वार्म करें एंड उसको मसाज करें, अपनी आर्म्स, लेग्स, फीट हर जगह मसाज दें एंड देन नहाने जाएं। और जब आप नहाकर आते हैं, जब गीली सूखी बॉडी होती है उसी में आप अपना बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर आप जो भी लगाते हैं तब आप लगाएं। उससे क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो ज्यादा टाइम तक हाइड्रेट रहेगी। सो नेक्स्ट हैक है हमारे हेयर के लिए। सर्दियों में जो हमारी स्कैल्प है वो भी ड्राई होने लग जाती है, बाल रफ और डल दिखने लगते हैं। सो हमारे बालों को भी मॉइस्चर और उसके नरिशमेंट की जरूरत है। तो कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल का जो रेशियो है वो 2:1 है। सो जैसे कि मैंने यहाँ 4 स्पून कोकोनट ऑयल लिया है, तो आप 2 स्पून ऑलिव ऑयल लेंगे। देन मैंने इसमें ऐड किया है 1 विटामिन ई कैप्सूल। मिक्सचर को आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म करें एंड देन अपने बालों में अप्लाई करें। सो नेक्स्ट हैक है हमारे फेस के लिए। सो आप अपने फेस को विंटर्स में हमेशा हाइड्रेट रखें। आप दिन में 2 बार फेस वॉश एंड ध्यान रखें जो आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री हो। रात के टाइम आप अपने नाइट क्रीम अप्लाई करने के बाद फेशियल ऑयल्स अप्लाई करें। सो दिस इज द राइट टाइम जब आप फेशियल ऑयल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली उसको आप अपने स्किन केयर रेजिम में ऐड करें। सो इसके अलावा आप वीक में 2 बार स्क्रब करें। वैसे तो बहुत से रेडीमेड स्क्रब्स मिलते हैं, बट मैं आज आपके साथ बहुत ही इजी DIY स्क्रब शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी पाउडर शुगर लें एंड उसमें आप हनी ऐड करें। मैं यहाँ गया का हनी यूज़ कर रही हूँ। ये विंटर्स में भी हार्ड नहीं होता है, तो वैसे तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें एंड देन ये स्क्रब अप्लाई करें। स्क्रब इज डन, तो अब फेस को हाइड्रेट करने के मैं आपके साथ DIY फेस पैक शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप 2 स्पून कॉफी पाउडर ऐड करें, देन आप उसमें 2 स्पून कोकोआ पाउडर ऐड करें एंड उसके बाद आप हनी ऐड करें ताकि एक थिक पेस्ट बन जाए। हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे एक्ने को ट्रीट करता है। कॉफी इज नॉन फॉर स्किन लाइटनिंग, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। कोको पाउडर से हमारी जो स्किन है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है और जितने भी स्कार्स या फाइन लाइंस हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। सो यू कैन सी द डिफरेंस। सो नेक्स्ट हैक है हमारे लिप्स के लिए। सो जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं, हमारे लिप्स चैप होने लग जाते हैं, ड्राई होते हैं एंड साइड्स पे कट्स आ जाते हैं। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप एक अच्छे लिप बाम में इन्वेस्ट करें एंड उसको आप रेगुलरली अप्लाई करें। लिप्स को भी आप वीक में 2 बार स्क्रब करें। आप सेम स्क्रब यूज कर सकते हैं जो हमने फेस के लिए किया था, दैट इज पाउडर शुगर एंड हनी। चाहे तो इसमें 2 ड्रॉप्स आलमंड ऑयल की भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। तो आप ऐसे ही अपने लिप्स को 2-3 मिनट्स के लिए स्क्रब करें एंड देन वॉश कर लें एंड उसके बाद आप एक लिप बाम डेफिनेटली अप्लाई करें। सो नेक्स्ट हैक है हमारे हैंड्स के लिए।
सो हम जितना भी बॉडी लोशन लगा लें, लेकिन हमारे जो हैंड्स हैं वो ड्राई रहते हैं, तो उसके लिए आप अलग से हैंड क्रीम्स यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत से हैंड क्रीम्स अवेलेबल हैं। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल एंड ग्लिसरीन। तो सबसे पहले आप 2 स्पून्स कोकोनट ऑयल लें, उसमें 2 स्पून्स ही एलोवेरा जेल ऐड करें। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं एंड कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन की ऐड करें। इसको अच्छे से आप मिक्स करें। इसको आप अलग से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। यू कैन सी द शाइन, ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ये बहुत जल्दी से हाथों में एब्जॉर्ब हो जाता है। That's all for my video. I hope आज के विंटर हैक्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। So जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे पहुंचाएं 100 सब्सक्राइबर्स तक। और साथ में जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें, so that आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। Also follow me on Instagram for reels, IGTV and updates. मेरी वीडियोस हर थर्सडे 12 बजे आती है, so do remember it. आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। विथ माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।